हेलो दोस्तों, तो आइए मैं आज आपके लिए एक नई टॉपिक, एक नए नॉलेज के साथ आया हूँ जिससे आप किसी भी गोल्डस्मिथ को एक्सपोज कर सकते हैं। कोई भी आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, कोई भी सुनार आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, ठीक है? तो आइए इस इनोवेटिव नॉलेज के ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है? तो देखिए, तो टॉपिक है आज का हमारा, हाउ डू गोल्डस्मिथ फूल, सुनार आपको बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं, ठीक है? तो उसके पहले आपको एक्वारेजिया या अम्लराज क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक क्या होता है। तो ठीक है, आइए हम इसको बताते हैं, ठीक है? HCl, कॉन्स्टेंट HCl या सांद HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, का तीन भाग, ठीक है, तीन भाग, और कॉन्स्टेंट HNO3, ओके, सांद HNO3 का एक भाग, ठीक है। जब इन दोनों के, इसका HCl का तीन भाग और HNO3 का एक भाग को मिक्स करके एक विलयन या सॉल्ट तैयार किया जाता है, सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, तो उस सॉल्यूशन को हम एक्वारेजिया बोलते हैं, ठीक है। इसका अनुपात कितना होता है? 3:1 का रेशियो होता है, किसका? HCl और HNO3 का, ठीक है। अब क्या करते हैं एक्वारेजिया, ठीक है? अब जैसे ही आपके जो सोने की वस्तुएं होती हैं उन पर धूल मिट्टी या उनकी चमक जैसे ही कम हो जाती है, उनकी शाइनिंग कम हो जाती है, तो आप पॉलिश कराने के लिए उन्हें गोल्डस्मिथ या सुनार के पास ले जाते हैं, गोल्ड की दुकान पर जाते हैं उसे पॉलिश कराने के लिए। तो पॉलिश ना करके वो क्या आपके साथ धोखा करते हैं, ठीक है, उसकी ओर आप गौर करिएगा ताकि आप कभी इस धोखे के शिकार ना हो, ठीक है। जैसे ही आप पहले क्या, आप जब वस्तु को उन्हें देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो उसे एक्वारेजिया में डाल देते हैं या अम्लराज में डाल देते हैं, ठीक है, आपकी वस्तु को। अब अम्लराज क्या करता है, वो जो परत होती है, सोने की परत ऊपर चढ़ी होती है जो गंदी हो जाती है धूल मिट्टी से, वो उस सोने की परत को हटा देता है, वो पॉलिश नहीं करता, साफ नहीं करता, वो उस परत को हटा के नीचे विलयन में डाल देता है, जिससे गंदगी के साथ साथ आपकी वस्तु का सोना भी नीचे तली में बैठ जाता है और फिर वस्तु आपकी चमकने लगती है या कोई भी हार वगैरह आपका चमकने लगता है, आपको लगता है ये पॉलिश हो गया, लेकिन उसने आपके साथ धोखा किया है। अब वो इस सोने को निकाल कर बेचेगा और उससे पैसा कमाएगा और आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस चीज़ से बचें कैसे, या कैसे हम संभलें ये कि आपके साथ ये ना हो, ठीक है, तो उस पे फोकस करें। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि हम कैसे इन सुनारों से बेवकूफ़ ना बने, कि ये हमें आपको बेवकूफ़ ना बना पे, कैसे बचें, ठीक है। तो आपको केवल दो चीज़ों का ध्यान रखना है इस चीज़ से बचने के लिए। फर्स्ट, चेक द वेट ऑफ योर गोल्ड व्हेन यू गिविंग, जब आप अपने गोल्ड की चीज़ों को या हार वगैरह कंगन आदि को दे रहे हैं तब आपको चेक करना है उनका वेट, वजन, ठीक है। और सेकंड, चेक द वेट ऑफ योर गोल्ड व्हेन यू रिसीविंग, जब आप उसे रिसीव कर रहे हैं तब आपको उसका वजन चेक करना है, ठीक है, ताकि वो आपको बेवकूफ ना बना पाए। अगर जो वजन है वो दोनों में इक्वल है, जब आपने दिया और जब आपने लिया, वेट इक्वल है, तब आपके साथ कोई भी धोखा नहीं हुआ, तब आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन यदि जब आपने लिया तब आपका वजन कम हो गया, तब डेफिनेटली आपके साथ धोखा हुआ है और आपको इसके लिए एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। तो ये नॉलेज थी जो आपको मैंने दी, जिससे आप जागरूक हो सके, सावधान रहें ताकि कोई आपके साथ धोखा ना कर सके, ठीक है। और ये आपको अगर ऐसे ही इनोवेटिव नॉलेज चाहिए है तो KJ क्लासेस को सब्सक्राइब करें। मैं अगली वीडियो में भी कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके साथ आऊँगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, थैंक यू सो मच।